Hello friends, this is Lakshya Chahal and welcomes you to our official YouTube channel Engineer. Haryana Staff Selection Commission ने एक exam लिया था 1 जनवरी 2018 को junior engineer के लिए. मैंने इस question paper को दो भागों में बांटा था और आज हम discuss करेंगे भाग दो के कुछ questions. तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, विच प्रोसेस इज नॉट यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉन्क्रीट. इन चारों में से कौन सा मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉन्क्रीट का एक प्रोसेस नहीं है? तो कॉन्क्रीट के लगभग 7 प्रोसेस हैं. मैं आपको बारी बारी से गिनाता हूं और बताता हूं. बैचिंग, मिक्सिंग, ट्रांसपोर्टिंग, प्लेसिंग, कॉम्पैक्शन, क्योरिंग एंड द लास्ट वन इज फिनिशिंग. तो इन चारों में से रिमूविंग मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉन्क्रीट का एक प्रोसेस नहीं है. इज नॉट ए प्रोसेस यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉन्क्रीट. अगला क्वेश्चन है, द टैक्यूमीटर और टैक्यूमेट्री सर्वेइंग इज अ ब्रांच ऑफ. तो ये टैक्यूमेट्री सर्वेइंग एंगुलर सर्वे का ब्रांच है, जिसमें हम जिसके थ्रू हम डिस्टेंस और वर्टिकल एंगल्स, हॉरिजॉन्टल एंगल्स, ये सब मेजर करते हैं. इसलिए ये एंगुलर सर्वे का पार्ट है या ब्रांच है. फॉर लॉन्गर डिस्टेंसेस दिस रेडियल रोड मे बी ग्रेजुएटेड इन. सो लॉन्गर डिस्टेंसेस के लिए इसकी वैल्यू होती है 1 सेंटीमीटर और लॉन्गर डिस्टेंसेस के लिए इसकी वैल्यू होती है 5 mm. तो इस क्वेश्चन का तो सही आंसर है 1 सेंटीमीटर. इन विच सिस्टम ऑफ ट्रैक्यूमेट्री स्टेडिया हियर इज फिक्स्ड एट कांस्टेंट डिस्टेंस. तो ट्रैक्यूमेट्री में 3 सिस्टम है स्टेडिया रोज के बेसिस पे, जो है फिक्स्ड हेयर मेथड, टेंजेंशियल मेथड और मूवेबल हेयर मेथड. पर इस क्वेश्चन के हिसाब से इस क्वेश्चन का सही आंसर है फिक्स्ड हेयर मेथड. अगला क्वेश्चन है, द साइज ऑफ ऑफसेट रॉड इज. अक्सर हम सर्वेइंग में, लेवलिंग में वगैरह ये हम ऑफसेट रॉड यूज करते थे, तो उसका जो साइज था मींस हाइट थी वो लगभग 3 मीटर की होती थी. अगला क्वेश्चन है, द मोस्ट यूजफुल कंपास इन कंपास सर्वेइंग इज. लगभग सर्वेइंग में 3 तरह के कंपास यूज होते हैं, रफ कंपास, सर्वेयर कंपास एंड प्रिज्मेटिक कंपास. पर इन तीनों में से भी सबसे ज्यादा यूज होने वाला एक प्रिज्मेटिक कंपास है, जो हमें वॉल सर्कल बेयरिंग मेजर करके देता है. और बात करते हैं दूसरे दो कंपास की. सर्वेयर कंपास हमारा रेडियस बेयरिंग मेजर करता है और रफ कंपास हमारा प्लेन टेबल सर्वेइंग में यूज होता है, जो हमें नॉर्थ और साउथ लाइन बताता है और 5 ± 5 डिग्री का थोड़ा एंगल भी बताता है. तो सबसे ज्यादा यूज होने वाला कंपास प्रिज्मेटिक कंपास है. अगला क्वेश्चन है, विच मटेरियल इज नॉट यूज्ड इन पाइल. तो इन चारों में से जो ऑप्शंस हमें दिए हुए हैं उसमें से क्ले हम यूज नहीं करते हैं एज ए पाइल मटेरियल और पाइल फाउंडेशन मटेरियल. सैंड, टिम्बर और स्टील, ये अलग अलग या कंबाइंड फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं. अगला क्वेश्चन है, विच मेथड इज नॉट यूज्ड टू इम्प्रूव बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल. सो इन ऑर्डर टू इम्प्रूव बियरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल वी यूज कन्फाइनिंग, ग्राउटिंग, कंपैक्शन, बट वी नेवर यूज हैमरिंग मेथड. कॉन्क्रीट कैन बी पंप्ड अप टू ए हाइट ऑफ. यहां थोड़ा कंट्रोडिक्शन थी. HSSC के हिसाब से इस क्वेश्चन का सही आंसर है 80 मीटर, पर मैंने कुछ बुक्सों में देखा है और उनका कहना है कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के लिए मैक्सिमम पंपिंग डिस्टेंस होता है फॉर 50 मीटर और फॉर वर्टिकल मींस हाइट होनी चाहिए मैक्सिमम उसकी 50 मीटर. तो उसके हिसाब से इसका सही आंसर है 50 मीटर. पर अगर आपको लगता है कि ये 80 मीटर है तो आप इसका सोर्स नीचे कमेंट्स में भी मेंशन कर सकते हैं,
पर कुछ बुक्स हैं जो 50 मीटर आंसर देती है और HSSC ने इसका आंसर 80 मीटर दिया है। अगला क्वेश्चन है, द क्वांटिटीज ऑफ अवेलेबल सोर्स वाटर आर डिपेंडेंट ऑन। तो पानी का स्रोत हमें हमारा होता है रेनफॉल। तो अगला क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ डिप्रेशन हेड रिस्पेक्ट टू क्रिटिकल डिप्रेशन हेड इज, इट इज 1/3। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द थिकनेस ऑफ ग्रेवल स्पेसिंग प्रोवाइडेड इन ग्रेवल पैक ट्यूबवेल इज, इट इज इक्वल्स टू 10 to 20 mm। Runoff is the part of precipitation, neither it's a transpiration or evaporation, or nor it's a, it's not a part of filtration, it's only a part of precipitation. Agla question hai, the runoff according to Benny's percentage for 70 mm annual rainfall is, so runoff from catchment can be estimated by three methods. सबसे पहला है स्टैंडर्ड टेबल्स, एम्पेरिकल फॉर्मूला है हमारा दूसरा मेथड, और रेनफॉल को रिलेशन हमारा तीसरा मेथड है जिसके हम थ्रू हम रन ऑफ कैलकुलेट कर सकते हैं। सो अगर हम बैनीज टेबल देखते हैं जिसमें हमारा 700 mm का एनुअल एवरेज एनुअल रेनफॉल के लिए अगर हम देखें तो रन ऑफ परसेंटेज ऑफ एनुअल रेनफॉल होगी 25%। अगला क्वेश्चन है, SI, गिव SI यूनिट फॉर सरफेस टेंशन। सो सरफेस टेंशन इज फोर्स पर यूनिट लेंथ, देयरफॉर यूनिट फॉर सरफेस टेंशन वुड बी न्यूटन पर मीटर। स्पेसिफिक वॉल्यूम एंड मास डेंसिटी इज, सो स्पेसिफिक वॉल्यूम इज ए रेशियो ऑफ वॉल्यूम अपॉन मास, और रेशियो ऑफ वॉल्यूम एंड मास, एंड मास डेंसिटी इज द रेशियो ऑफ मास and volume. So therefore we can see that specific volume and mass density is inversely proportional to each other. Agla question hai, the first public railway was laid in Britain between Stockton and Darlington in 1825. So is question ka sahi answer hai Britain. पर कई बार हमसे ये भी पूछ लिया जाता है कि इंडिया में सबसे पहली पैसेंजर ट्रेन कहाँ से कहाँ तक और कब चली थी और किसकी गवर्नरशिप में चली थी। तो फर्स्ट पब्लिक पैसेंजर ट्रेन इन इंडिया बिटवीन बॉम्बे एंड थाने इज इन 1853 अंडर द गवर्नरशिप ऑफ लॉर्ड डलहौजी। अगला क्वेश्चन है, हम्प यार्ड इज द टाइप ऑफ, it is a type of marshalling yard. Next question is, give the full form of SSD. It is a stopping site distance. In road estimating, the quantity of earthwork is equal to, it is equal to sectional area into length. The nominal size of standard modular brick is, तो इसमें कई बार बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि स्टैंडर्ड साइज क्या है ब्रिक का और नॉमिनल साइज क्या है ब्रिक का। तो अभी मैं इसे क्लियर कर देता हूं। अगर आपसे पूछा जाए कि स्टैंडर्ड साइज ऑफ मॉड्यूलर ब्रिक क्या है तो वो होगा 19 × 9 × 9 cm का, पर नॉमिनल साइज में हम मोर्टार की थिकनेस भी ऐड कर देते हैं जो होती है 1 cm, इसलिए नॉमिनल साइज उसका हो जाता है 20 cm × 10 cm × 10 cm। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है 20 × 10 × 10 cm। अगला है, एग्रीगेशियस रॉक्स आर मेड फ्रॉम, एग्रीगेशियस रॉक्स में क्ले प्रीडोमिनेट करता है इसलिए इसमें क्ले की मात्रा सबसे ज्यादा होती है। Which of the following test is not used for the building stones? अब इनमें से कौन कौन सा नहीं है ये पहचानने के लिए आपको ये पता करना पड़ेगा कि सबसे मतलब कितने टेस्ट होते हैं बिल्डिंग स्टोन के लिए। तो बिल्डिंग स्टोन के लिए बहुत सारे टेस्ट हैं जो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहला है शिमिड हैमर टेस्ट फॉर हार्डनेस ऑफ रॉक। अगला है एसिड टेस्ट फॉर वेदरिंग प्रॉपर्टीज,
तीसरा है क्रशिंग या कंप्रेशन टेस्ट फॉर स्ट्रेंथ, फोर्थ इज स्मिथ टेस्ट फॉर सोल्यूबल ऑर्गेनिक मैटर, फिफ्थ इज वाटर एब्जॉर्प्शन टेस्ट एंड अनदर वन इज एट्रिशन टेस्ट फॉर रेजिस्टेंस अगेंस्ट ग्राइंडिंग एक्शन, सेकेंड लास्ट इज ब्रेड टेस्ट फॉर बिहेवियर अगेंस्ट प्रोटेक्शन एंड द लास्ट वन इज माइक्रोस्कोपिक टेस्ट। सो इतने सारे टेस्ट हैं जो हम बिल्डिंग स्टेन के लिए यूज करते हैं, पर इन चार ऑप्शन में से कौन सा नहीं है उसका सही आंसर है कलर टेस्ट। कलर टेस्ट हम यूज नहीं करते बिल्डिंग स्टोन के लिए। अगला क्वेश्चन है, ए पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन कर्व गिव्स एन आइडिया अबाउट, इट गिव्स एन आइडिया अबाउट टाइप ऑफ सॉइल। तो अगला और इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन है, फॉर ए वेल ग्रेडेड सॉइल द कोफिशिएंट ऑफ कर्वेचर मस्ट बी, इट शुड बी बिटवीन 1, 2, 3।